अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स. सो फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स वी वुड बी डिस्कसिंग द टॉपिक ऑफ कॉर्निया एंड ऑप्थमोलॉजी. जब कॉर्निया से एसोसिएटेड डिजीज़ कौन कौन सी हैं, उन डिजीज़ की इटियोलॉजी क्या है, उन डिजीज़ की कॉज क्या है, उन डिजीज़ का ट्रीटमेंट क्या है थी, और वो डिजीज़ जो हैं कॉर्निया से एसोसिएटेड डिजीज़ हमारी विजन को किस तरह से इफ़ेक्ट करती हैं. सो बिफोर गोइंग इनटू द डिजीज़ एसोसिएटेड विद कॉर्निया, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नो कि कॉर्निया जो है वो हमारी आई में किस तरह से प्लेस्ड है, उसकी एनाटॉमी क्या है और उसका फंक्शन क्या है. सो वट इज़ कॉर्निया? द कॉर्निया इज़ राउंड कन्वेक्स ट्रांसपेरेंट कवरिंग ऑफ आई. ट्रांसपेरेंट एज यू कैन सी कि ट्रांसपेरेंट एक ऐसी चीज़ विच अलाउज द परमिशन ऑफ द लाइट थ्रू इट. अब ऑब्वियसली अगर कॉर्निया ट्रांसपेरेंट है तो ही तो वो अलाउ करेगा टू लाइट टू पास थ्रू इट एंड रीच द रेटिना. एंड इट इज़ कन्वेक्स. कन्वेक्स मतलब कि बाहर की तरफ उभरा हुआ. सो हेयर इज़ द एनाटॉमिकल लोकेशन ऑफ कॉर्निया इन आर आई. आउटर, राउंड, कन्वेक्स एंड ट्रांसपेरेंट. एंड एज इट इज़ ट्रांसपेरेंट सो इट वुड परमिट द लाइट टू पास थ्रू इट. लाइट इसके थ्रू गुजरेगी एंड इट कैन ईजीली रीच द रेटिना. सो द बेसिक फंक्शन ऑफ कॉर्निया इज टू अलाउ द पैसेज ऑफ लाइट एंड फोकस द लाइट रेज ऑन द रेटिना. अब कॉर्निया अपना ये फंक्शन किस तरह से परफॉर्म करता है, इसमें दो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं. एक तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कॉर्निया, दूसरा रिफ्रैक्टिव पावर ऑफ कॉर्निया. सो द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कॉर्निया इज 1.376. एंड द रिफ्रैक्टिव पावर को समझने के लिए हम एक चीज़ करते हैं कि जो आउटर सर्फिस है, एंटीरियर सर्फिस है कॉर्निया की, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 48 डायोप्टर, वाइल जो पोस्टीरियर सर्फिस है कॉर्निया की उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है -5 डायोप्टर. फाइन. सो +48 -5 इज इक्वल टू 43 डायोप्टर. और 43 डायोप्टर जो है डेट इज़ द रिफ्रैक्टिव पावर ऑफ द कॉर्निया. एंड इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नो कि कॉर्निया कंट्रीब्यूट्स टू 1/3 पार्ट ऑफ द रिफ्रैक्टिव पावर ऑफ आर आई. बाकी 2/3 पार्ट जो है डेट इज़ कंट्रीब्यूटेड बाय लेंस. नाउ मूविंग टुवर्ड्स द स्ट्रक्चर ऑफ कॉर्निया. तो कॉर्निया के 3 मेजर पार्ट्स होते हैं, एपिथीलियम, एंडोथीलियम एंड स्ट्रोमा. जो एपिथीलियम है ना कॉर्निया के, इट इज़ ड्राइव्ड फ्रॉम द एक्टोडर्म, सर्फिस एक्टोडर्म. जबकि स्ट्रोमा एंड एंडोथीलियम जो है इट इज़ ड्राइव्ड फ्रॉम द न्यूरल क्रस्ट सेल्स. और कॉर्निया की 5 इंपॉर्टेंट लेयर्स होती हैं. सबसे पहले इज़ द एपिथीलियम, फिर उसके बाद एक ए सेलुलर लेयर आती है दैट इज़ बाउमेंस लेयर, एंड देन स्ट्रोमा, एंड देन डेसमेंट मेम्ब्रेन, एंड देन एंडोथीलियम. सो पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कॉर्निया के एपिथीलियम को. एज वी हैव स्टडीड इन हिस्टोलॉजी इन एनाटॉमी के जो कॉर्निया के एपिथीलियम होती है दैट इज़ स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस नॉन कैटेनाइज्ड एपिथीलियम. सो कॉर्निया के एपिथीलियम में भी 3 सेल्स होते हैं. सबसे पहली लेयर जो हमें मिलेगी दैट इज़ बेसल सेल्स की. बेसल सेल्स आर सिंपल कोलमनर एपिथीलियम. और सिंपल कोलमनर एपिथीलियम जो है डीज आर रेस्टिंग ऑन द बेसमेंट मेम्ब्रेन. ठीक. डीज आर बेसल सेल्स. और उसके ऊपर जो होते हैं हमारे पास होते हैं डेट आर विंग सेल. 2 to 3 लेयर्स होती है विंग सेल्स की. और सर्फिस पे वी कैन गेट अ स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस सेल्स. अब जो ये सर्फिस सेल्स होते हैं डेट आर स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस सेल्स. और सर्फिस सेल्स जो है दे कंसिस्ट ऑफ वेरियस माइक्रोविलाय, एंड माइक्रोविलाय आर इन कॉन्टेक्ट विद द टीयर फिल्म. अब ऑब्वियसली कॉर्निया जो है वो आउटर मोस्ट कवरिंग है ऑफ आर आई थी. उससे आगे क्या मिलेगा हमें? लैक्रिमल सिस्टम. लैक्रिमल सिस्टम की वजह से क्या कवरिंग मिलती होती आई को? डेट इज टीयर फिल्म. सो द माइक्रोविलाय ऑफ द सर्फिस सेल्स आर इन कॉन्टेक्ट विद द टीयर फिल्म. अब जो कॉर्निया की आउटर मोस्ट लेयर है, जो सबसे पहली सुपरफिशियल लेयर है, डेट इज एपिथीलियम. और हर तरह के एपिथीलियम की तरह कॉर्निया की जो एपिथीलियम है उसको भी रिप्लेनिशिंग की जरूरत होती है. सो व्हाट इज रिप्लेनिशिंग? ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो सुपरफिशियल सेल्स हैं ऑफ द एपिथीलियम डेट इज लव्ड ऑफ, जो डाइट सेल्स होते हैं, एंड दीज आर देन रिप्लेस बाय द न्यू वंस. सो इस पर्पज़ के लिए कॉर्निया के पास होते हैं लिम्बस. सो व्हाट इज लिम्बस? लिम्बस से बेहतर अगर हम ये कहें कि कॉर्नियो सेक्लेरर लिम्बस, तो फिर काम और भी ज़्यादा ईजी हो जाएगा. ऑब्वियसली अगर हम बोलते हैं कॉर्नियो सेक्लेरर लिम्बस, विच मीन्स कि लिम्बस जो है डेट इज़ अ डिमार्केशन बिटवीन द कॉर्निया एंड सेक्लेरा. ठीक है. सो हेयर वी कैन सी हेयर इज अ कॉर्निया, हेयर इज अ सेक्लेरा. इनके दरमियान में जो डिमार्केशन है डेट इज़ द लिम्बस. ठीक है. तो लिम्बस का फंक्शन क्या होता है कि यहाँ पर जो है एक स्पेसिफिक टाइप की स्टेम सेल्स मौजूद होती है, लिम्बस स्टेम सेल्स. और हर लिम्बस स्टेम सेल्स जो है हर तरह का लिम्बस स्टेम सेल्स दो तरह के डॉटर सेल्स में डिवाइड होगा. एक सेल जो है वो वापस आ गया लिम्बस स्टेम सेल बन जाएगा, और दूसरा सेल जो है डेट वुड डिफ्रेंशिएट इन टू द कॉर्नियल एपिथीलियम. तो इसकी वजह से जो है कॉर्निया जो है इट वुड बी रिप्लेनिश्ड बाय द न्यू कॉर्नियल एपिथीलियम. और अगर लिम्बस स्टेम सेल्स में किसी तरह का प्रॉब्लम हो, इट वुड रिजल्ट इन अ कंजक्टिवाइजेशन ऑफ द कॉर्निया. ये कैसा प्रोसेस है जिसमें कॉर्नियल एपिथीलियम जो है डेट इज इन्वेडेड बाय द एपिथीलियम ऑफ द कंजक्टिवा. सो ऑब्वियसली अगर लिम्बस के स्टेम सेल्स मौजूद नहीं होंगी, उनमें कोई डिफेक्ट होगा फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द कॉर्नियल एपिथीलियम, तो फिर कंजक्टिवल एपिथीलियम आकर इन्वेड कर देगी. इट वुड रिजल्ट इन द डिफेक्ट ऑफ द कॉर्नियल एपिथीलियम या कंजक्टिवाइजेशन ऑफ द कॉर्नियल एपिथीलियम.
अब जो कॉर्निया की एपिथेलियल सेल्स है उसमें हर सेल जो है उनके दरमियान में टाइट एपिकल जंक्शन मौजूद होती है। टाइट एपिकल जंक्शन मीन्स कि इट वुड नॉट अलाउ द वाटर एंड अदर मॉलिक्यूल्स टू पास थ्रू इट, सो द कॉर्नियल एपिथेलियम इज इम्परमेबल टू वाटर। सो यहाँ तक कॉर्नियल एपिथेलियम मुकम्मल हो गई। कॉर्नियल एपिथेलियम के बाद हम आते हैं टुवर्ड्स द बाउमेंस लेयर। बाउमेंस लेयर क्या होते हैं? इट इज द सुपरफिशियल लेयर ऑफ द कॉर्निया सिचुएटेड जस्ट बिलो द बेसमेंट मेम्ब्रेन ऑफ द कॉर्नियल एपिथेलियम। यहाँ पे क्या होते हैं? कोलेजन फाइबर्स, यहाँ पे कंडेंस्ड कोलेजन फाइबर्स होते हैं और ये एक ए सेलुलर लेयर है एंड इट हैज नो रिजनरेटिव कैपेसिटी। कि जो कॉर्नियल एपिथेलियम है उसमें तो रिजनरेट करने की कैपेसिटी होती है टू द लिम्बस स्ट्रोमल स्टेम सेल्स ऑफ द लिम्बस, लेकिन जो बाउमेंस लेयर है उसमें रिजनरेट करने की कोई कैपेसिटी नहीं होती। जस्ट बिलो द बाउमेंस लेयर हमारे पास फिर एक बड़ी लेयर आ जाती है ऑफ द कॉर्निया डेट इज नोन एज स्ट्रोमा। स्ट्रोमा जो है ऑब्वियसली वी नो कि यहाँ पे कनेक्टिव टिश्यू मेजर पार्ट बना रहा होता है, ठीक। और स्ट्रोमा में दो तरह की इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है, एक तो होते हैं सेल्स विच आर नोन एज क्रेटिसाइट्स और दूसरे जो है डेट इज ब्राउन सब्सटेंस, ठीक है। कि क्रेटिसाइट्स जो होते हैं इज एक्सरसाइज फाइब्रोब्लास्ट, और फाइब्रोब्लास्ट सेल्स क्या होते हैं, उनका क्या फंक्शन होता है? प्रोडक्शन ऑफ द कोलेजन फाइबर्स या प्रोडक्शन ऑफ द ग्राउंड सब्सटेंस या प्रोडक्शन ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू, ठीक। तो यहाँ पे जो है स्ट्रोमा जो है बेसिकली इट कम्प्राइजेज ऑफ द क्रेटोसाइट्स विच आर द सेल्स एंड अ ग्राउंड सब्सटेंस विच आर कोलेजन फाइबर्स मेड अप ऑफ अ प्रोटियोग्लाइकन। फिर उसके बाद जो अगली लेयर आती है डेट इज द डेसमेंट मेम्ब्रेन। डेसमेंट मेम्ब्रेन क्या है? ऑब्वियसली डेसमेंट मेम्ब्रेन के नीचे हमारे पास क्या लोकेटेड है? डेट इज द एंडोथेलियम ऑफ द कॉर्निया, ठीक है। तो एंडोथेलियम ऑफ कॉर्निया के लिए जो बेसमेंट मेम्ब्रेन के तौर पर ऐड करिए डेट इज द डेसमेंट लेयर ऑफ द कॉर्निया, ठीक है। जस्ट लाइक द बेस बाउमेंस लेयर डेसमेंट मेम्ब्रेन जो है इसके पास भी रिजनरेट करने की कैपेसिटी नहीं होती एंड इट इज ऑल्सो इम्परमेबल टू वाटर। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाती है लास्ट वन दैट इज एंडोथेलियम, एंड एंडोथेलियम जो है इट इज इम्परमेबल टू वाटर। और एंडोथेलियम जो है इट प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन मेंटेनिंग द डिहाइड्रेशन या डिटर्जेंट ऑफ द कॉर्निया। और एंडोथेलियम में किसी भी तरह की कोई डिफेक्ट आ जाता है, किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम हो जाता है, देन ऑब्वियसली इट वुड अलाउ द वाटर मॉलिक्यूल्स टू पास थ्रू इट विच वुड रिजल्ट इन द कंडीशन नोन एज कॉर्नियल एडीमा। अब लेक्चर के स्टार्ट में हमने जिक्र किया था कि जो कॉर्निया है दैट इज़ अ ट्रांसपेरेंट लेयर, ठीक है। तो एक ट्रांसपेरेंट स्ट्रक्चर है, दैन इट इज़ इंपॉर्टेंट टू नो कि जो कॉर्निया की मुख्तलिफ लेयर्स हैं वो किस तरह से कॉर्निया की ट्रांसपेरेंसी को मेंटेन करने में अपने एक प्रॉपर रोल प्ले कर रही हैं, ठीक है। तो सबसे पहला रोल जो उसमें आ जाता है दैट इज ऑफ एंडोथेलियम। ये जो हमारा एंडोथेलियम है इसमें स्पेशल टाइप के पंप्स होते हैं विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है, जो वाटर को अंदर एक्यूमुलेट नहीं होने देते, एनहेंस इट प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन मेंटेनिंग द ट्रांसपेरेंसी ऑफ द कॉर्निया। फिर अगला जो फंक्शन आ जाता है वो एपिथेलियम और एंडोथेलियम के सेल्स आ जाते हैं। दूसरा पॉइंट क्या होगा? ड्यू टू द रेगुलर अरेंजमेंट्स ऑफ द एपिथेलियल सेल्स एंड एंडोथेलियम सेल्स। तीसरा पॉइंट ये आ जाएगा ड्यू टू द प्रॉपर स्पेसिंग एंड ओरिएंटेशन ऑफ द वेरियस कोलेजन फाइबर्स प्रेजेंट इन द लैमिना प्रोप्रिया या स्ट्रोमा ऑफ द कॉर्निया। एंड द लास्ट वन इज द एब्सेंस ऑफ द ब्लड वेसल्स एंड लिम्फेटिक्स। सो हियर वी कैन वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द ब्लड सप्लाई ऑफ द कॉर्निया। तो ब्लड सप्लाई ऑफ कॉर्निया होता है थ्रू द पेरिलिम्बल प्लेक्सस, ठीक है। और पेरिलिम्बल प्लेक्सस जो है इट इज़ द प्लेक्सस ऑफ वेरियस वेसल्स सिचुएटेड ऑन द लिम्बस। लिम्बस क्या है? इट इज़ द डिमार्केशन प्रेजेंट बिटवीन द कॉर्निया एंड स्क्लेरा। यहाँ पे वी कैन क्लियरली सी हियर इज द स्क्लेरा एंड हियर इज द कॉर्निया, और इन दोनों के दरमियान यहाँ पे लिम्बस मौजूद है। और लिम्बस पे क्या है? पेरिलिम्बल प्लेक्सस सप्लाइंग द ब्लड टू द कॉर्निया। हियर वी कैन सी कि यहाँ पे कॉर्निया है, कॉर्निया का एपिथेलियम, बाउमेंस मेम्ब्रेन, स्ट्रोमा, डेसमेंट मेम्ब्रेन एंड देन एंडोथेलियम ऑफ द कॉर्निया। सो द कॉर्निया इज सप्लाइड बाय द पेरिलिम्बल प्लेक्सस। अब कॉर्निया में जो न्यूट्रिएंट्स की डिलीवरी होती है और न्यूट्रिएंट्स का रिमूवल होता है वो किस तरह से होता है? तो उसके लिए क्या होता है हमारे पास? कॉर्निया जो है उसके आगे क्या है? लैक्रिमल सिस्टम, और पीछे की तरफ क्या है? एंटीरियर चैम्बर, ठीक है। तो न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो डिलीवर हो रहे हैं थ्रू द ब्लड वेसल्स, और न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो रिमूव किस तरह से हो रहे हैं? थ्रू द लैक्रिमल सिस्टम, या वो पीछे की तरफ थ्रू द एंटीरियर चैम्बर जो है वहाँ से भी रिमूव हो सकते हैं कॉर्निया के वेस्ट मटीरियल। नाउ व्हाट इज़ द नर्व सप्लाई ऑफ कॉर्निया? और लो कॉर्निया जो है वो एक ए वास्कुलर स्ट्रक्चर है बट इट इज़ डेंसली इनर्वेटेड, ठीक। सो द बेसिक नर्व सप्लाई जो आ रहा है कॉर्निया का आता है दैट इज थ्रू द लॉन्ग सीलरी नर्व। हेयर वी कैन सी लॉन्ग सीलरी नर्व अप्रोचिंग द कॉर्निया, और लॉन्ग सीलरी नर्व कहाँ से राइज होगी थी? वो होती है थ्रू द ट्राइजेमिनल नर्व, ठीक है। सो वी सॉ के हेयर वी कैन सी द ट्राइजेमिनल नर्व, और ट्राइजेमिनल नर्व की तीन डिवीजन्स निकल रही थी, मैंडिबुलर, मैक्सिलरी एंड ऑप्थाल्मिक डिवीजन। ऑप्थाल्मिक डिवीजन जो है वो आगे की तरफ से गुजरती है, इट गिव्स द लॉन्ग सीलरी नर्व, एंड लॉन्ग सीलरी नर्व सप्लाइज द कॉर्निया। सो अप टिल नाउ वी हैव कम्प्लीटेड द एनाटमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ द कॉर्निया। अब कॉर्निया से एसोसिएटेड डिजीजेस जो है वो हम देख लेते हैं। कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ हैं जो हम तकरीबन हर डिजीज़ में डिस्कस करेंगे, और आगे आने वाली डिजीज़ को हम इन्हीं बुनियाद पर क्लासीफाई करेंगे। सो सबसे पहले है केराटाइटिस,
आइटिस मीन्स इन्फ्लेमेशन नॉट इन्फेक्शन, ठीक है। अब केराटाइटिस का मतलब है कि इन्फ्लेमेशन ऑफ कॉर्निया, केराटोपैथी दैट इज अ नॉन इन्फ्लेमेटरी डिजीजेस जिसमें एक मेटाबॉलिक एक्टिविटी जो है वो कॉर्नियल एपिथेलियम की वो डिस्टर्ब हो जाती है। कॉर्नियल अल्सर, अल्सर मतलब कि स्लफिंग ऑफ द एपिथेलियल सेल्स, के जो एपिथेलियल सेल्स जो हैं वो स्लफ्ड ऑफ हो गए हैं, ठीक है। सो सेम अकर्स इन द केस ऑफ द कॉर्नियल अल्सर के एक लोकल डिफेक्ट है जिसकी वजह से इन्फ्लेमेशन होती है और इन्फ्लेमेशन की वजह से जो नेक्रोटिक टिश्यूज है वो स्लफ्ड ऑफ हो जाते हैं। हाइपोपायोन अल्सर, इसमें क्या होता है कि एक्सुडेट फॉर्मेशन होती है इन द कॉर्निया एंड नेक्स्ट वन इज स्पेरेटिव केराटाइटिस। अब आइटिस मींस इन्फ्लेमेशन, स्पेरेटिव मींस पस फॉर्मेशन। सो इट इज अ डिफेक्ट दैट इज कैरेक्टराइज बाय द लॉस ऑफ द कॉर्नियल एपिथेलियम विद अंडरलाइंग स्ट्रोमल इन्फिल्ट्रेशन एंड सुपुरेशन एसोसिएटेड विद द साइंस ऑफ द इन्फ्लेमेशन विदाउट हाइपोपायोन। अब आज के टॉपिक से रिलेटेड इंपॉर्टेंट एसईक्यूज और एमसीक्यूज के हमें पास पेपर्स में नंबर वन है डेट इज डिस्क्राइब द ऑप्टिकल फंक्शन ऑफ द कॉर्निया, ठीक है, विद रेफरेंस टू इट्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड रिफ्रैक्टिव पावर, ठीक है। एज वी हैव स्टडीड कि आउटर सर्फिस है कॉर्निया की उसकी क्या होती है रिफ्रैक्टिव पावर 48 प्लस डायोप्टर की, और इनर सर्फिस जो है कॉर्निया की जो पोस्टीरियर सर्फिस उसकी क्या पावर होती है -5 डायोप्टर की, ठीक है। और टोटल जो है रिफ्रैक्टिव पावर जो है कॉर्निया की दैट इज 43 प्लस डायोप्टर, ठीक है। सो कॉर्निया का जो मेजर फंक्शन है डैट इज टू अलाउ द लाइट टू पास थ्रू इट, क्योंकि एक ट्रांसपेरेंट पार्ट है आई का, ठीक, एंड फोकस द राइट लाइट ऑन द रेटिना, ठीक है। तो लाइट को फोकस करता है रेटिना पे, और रेटिना पे जब लाइट पड़ती है इट हेल्प्स अस टू सी। और इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये भी है कि जो रिफ्रैक्टिव पावर है ऑफ कॉर्निया की डेट इज अबाउट 1/3 ऑफ द टोटल रिफ्रैक्टिव पावर ऑफ द आई, बाकी 2/3 डेट इज कंट्रीब्यूटेड बाय लेंस। नेक्स्ट वन इज एज वी हैव स्टडीड के जो कॉर्निया जो है डेट इज अ ट्रांसपेरेंट स्ट्रक्चर, तो कौन से फैक्टर्स हैं, कौन सी रीजन है जो कॉर्निया की ट्रांसपेरेंसी मेंटेन कर रहे हैं। इन लिस्ट रीजन फॉर द कॉर्नियल ट्रांसपेरेंसी, नंबर वन किया था कि एंडोथेलियल पंप मैकेनिज्म, नंबर टू की रेगुलर अरेंजमेंट्स ऑफ द एपिथेलियल सेल्स एंड एंडोथेलियल सेल्स ऑफ द कॉर्निया, नंबर थ्री वॉज प्रॉपर अरेंजमेंट स्पेसिंग एंड ओरिएंटेशन ऑफ द स्ट्रोमल फाइबर्स या कोलेजन फाइबर्स ऑफ द कॉर्निया इन द लैमिनर प्रोप्रिया, फिर अगला था लास्ट वन था एब्सेंस ऑफ द ब्लड वेसल्स एंड लिम्फेटिक्स। नेक्स्ट वन इज केराटाइटिस, आइटिस मीन्स इन्फ्लेमेशन, तो केराटाइटिस क्या था डेट वॉज द इन्फ्लेमेशन ऑफ द कॉर्निया। अब केराटाइटिस के केस में क्या पूछा हुआ है, डिफाइन केराटाइटिस एंड क्लासिफिकेशन ऑफ केराटाइटिस। तो क्लासिफिकेशन ऑफ केराटाइटिस जो है दो बुनियादों पे होती है, एक है सुपरफिशियल और दूसरी है डीप। सुपरफिशियल में भी हम देखें तो दो तरह की क्लासिफिकेशन मिल जाती है केराटाइटिस की, एक होती है इन्फेक्टिव एक होती है नॉन इन्फेक्टिव। इन्फेक्टिव जो होती है वो किसी भी तरह के बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकती है, फंगल की भी वजह से हो सकती है एंड सो ऑन। जो नॉन इन्फेक्टिव है उसकी वजह से उसमें एलर्जी, न्यूट्रिशनल फैक्टर, केमिकल बर्न्स, दूसरे फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। अब डीप केराटाइटिस क्या मतलब होता है डैट इंक्लूड्स द कॉर्नियल अब्सेस और ये सारे डिजीजेस हम आने वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे। अब इस टॉपिक से पास पेपर्स में किस किस तरह के एमसीक्यूज हैं वो हम देख लेते हैं। नंबर वन इज अ कंसल्टेंट ऑप्थमोलॉजिस्ट ड्यूरिंग अ वॉर राउंड आस्क हिज हाउस ऑफिसर रिगार्डिंग व्हाट इज द नॉर्मल कॉर्नियल हाइड्रेशन डिपेंड्स अपॉन। अब नॉर्मल कॉर्नियल हाइड्रेशन के केस में हमने पढ़ा था कि जो एंडोथीलियम है उसमें स्पेसिफिक टाइप के पंप्स मौजूद होते हैं, स्पेसिफिक टाइप की मेटाबॉलिक एक्टिविटी हो रही होती है विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग द डिहाइड्रेशन ऑफ द कॉर्नियल कॉर्नियम। और अगला पॉइंट हमने ये भी देखा था कि जो कॉर्नियल एंडोथीलियम जो है इट इज इंपरमेबल टू वाटर, सो इट डज नॉट अलाउ द वाटर टू पास थ्रू इट, और इट वॉज इन्वॉल्व इन मेंटेनिंग द डिहाइड्रेशन ऑफ द कॉर्निया। सो ए एपिथीलियम, बी बाउमेंस मेम्ब्रेन, सी स्ट्रोमा, डी एंडोथीलियम। सो यहाँ पे एंडोथीलियम करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट वन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स टू द कॉर्निया। अब कॉर्निया की न्यूट्रिएंट्स के केस में हमने पढ़ा था कि कॉर्निया को न्यूट्रिएंट्स जो होती हैं सबसे पहले तो मेजर सप्लाई जो है कॉर्निया का दैट वाज पेरिलिम्बल वेसल्स, ठीक, और पेरिलिम्बल वेसल्स ओके हो गया। अगला था एक्वस ह्यूमर, एक्वस ह्यूमर जो है कॉर्निया जो है या तो आगे की तरफ ड्रेन कर सकता है थ्रू द लैग्रिमल सिस्टम, या पीछे की तरफ जो है एक्वस ह्यूमर मौजूद है वहाँ से उसको न्यूट्रिएंट्स रिसीव हो रहे होते हैं। और तीसरा जो है एयर किस तरह से होगा, क्योंकि कॉर्निया जो है वो डायरेक्टली जो है वो आउटर मोस्ट लेयर आई की, तो वो एयर के साथ कॉन्टैक्ट में होता है तो वहाँ से भी उसको न्यूट्रिएंट्स मिल रहे होते हैं। विट्रियस ह्यूमर के साथ कॉर्निया का कोई ताल्लुक नहीं होता, तो विट्रियस ह्यूमर इज नॉट एसोसिएटेड विद द सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन टू द कॉर्निया। नेक्स्ट वन इज विच इज द थिकेस्ट लेयर ऑफ कॉर्निया। इसके लिए हम वापस कॉर्निया के स्ट्रक्चर वाली डायग्राम पे चलते हैं। सो एपिथीलियम, बाउमेंस लेयर, स्ट्रोमा, जेसमेंस मेम्ब्रेन और एंडोथीलियम में से कौन सी सबसे ज्यादा थिकेस्ट लेयर है, वी कैन इजीली सी इन दिस डायग्राम कि जो स्ट्रोमा जो है दैट इज द थिकेस्ट लेयर ऑफ द कॉर्निया। नेक्स्ट वन इज द लेयर ऑफ कॉर्निया इन कॉन्टैक्ट विद द एक्वस ह्यूमर। इसके लिए हम वापस कॉर्निया के स्ट्रक्चर वाली डायग्राम पे चलते हैं। सो हियर वी कैन सी कि कॉर्निया की जो ऊपर से लेकर नीचे तक अरेंजमेंट है ऑफ द लेयर, सबसे ऊपर जो है एपिथीलियम और सबसे नीचे जो है इनर मोस्ट दैट इज एंडोथीलियम। और एंडोथीलियम के बाद हमारे पास जो आएगा वो आएगा अगला स्ट्रक्चर होगा, आएगा अगला स्ट्रक्चर क्या है दैट इज एक्वस ह्यूमर। सो वी कैन से दैट कि एंडोथीलियम जो है दैट इज इन कॉन्टैक्ट विद द एक्वस ह्यूमर, क्योंकि जो इनर मोस्ट लेयर है वही एक्वस ह्यूमर के साथ कॉन्टैक्ट में होगी। इन द कॉर्निया द ट्रांसपेरेंट नेचर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द लाइट एंटरिंग द आई, दिस ट्रांसपेरेंसी ऑफ द कॉर्निया इज मेंटेन्ड बाय। अब कॉर्निया की ट्रांसपेरेंसी को मेंटेन करने के लिए हमने चार फैक्टर्स पढ़े थे, उन चार में से यहाँ पे हमारे पास एपिथीलियम, एंडोथीलियम,
लेमिना प्रोप्रिया, ये सब फैक्टर्स मौजूद हैं. सो वी हैव टू सेलेक्ट द बेस्ट वन. सबसे ज़्यादा जो रोल है दैट इज़ प्लेड बाय द एंडोथीलियम इन द मेंटेनिंग द ट्रांसपेरेंसी ऑफ द कॉर्निया. सो एंडोथीलियम इज़ द बेस्ट ऑप्शन. वट इज़ द ए वास्कुलर स्ट्रक्चर ऑफ द आई? टॉपिक स्टार्ट में ही हमने पढ़ लिया था कि कॉर्निया जो है दैट इज़ द ए वास्कुलर स्ट्रक्चर ऑफ द आई. सो बी इज़ द राइट ऑप्शन. वट इज़ द नर्व सप्लाई ऑफ द कॉर्निया? हमने पढ़ा था कि जो लॉन्ग सिलरी नर्व होती हैं वो ट्राइजेमिनल नर्व की ब्रांच जो होती है ऑप्थैल्मिक नर्व वहाँ से निकल के सप्लाई करती हैं कॉर्निया. सो द कॉर्निया इज इनर्वेटेड बाय द लॉन्ग सिलरी नर्व्स. सो दिस वॉज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर. आने वाले लेक्चर में वी वुड बी डिस्कसिंग अबाउट द डिजीज एसोसिएटेड विद कॉर्निया. होप यू अंडरस्टूड वेल. थैंक्स फॉर वॉचिंग.